मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, खुश होंगे और बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे। तो क्या दोस्तों, आप लोगों का कॉम्पैक्ट पाउडर या फेस पाउडर या लूज पाउडर ख़राब हो गया है, टूट गया है कॉम्पैक्ट पाउडर, और जो लूज पाउडर है उसका डेट ओवर होने वाला है, तो आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो ताकि ये बेकार ना जाए और इसको फेंकना भी ना पड़े, और आप डेली इसको लगा सकते हो। और बेबी सीसी क्रीम जो बाज़ार में इतने महंगे महंगे आते हैं, आप उसको घर में ही उससे बना सकते हो और यूज़ कर सकते हो और आप पैसे भी बचा सकते हो। इस तरह से मेरे पास लूज पाउडर है जिसका डेट ओवर ख़त्म होने वाला है और एक महीना ही बचा है, तो इतना सारा लूज पाउडर का मैं क्या करूँगी? मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि इतने महंगे महंगे हम खरीदते हैं लेकिन ख़राब होने में आता है। तो मैंने सोचा चलो इसका मैं क्रीम बना लेती हूँ और देखती हूँ कैसा है। तो मैंने अपने ऊपर पहले यूज़ किया, फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी बता देती हूँ ताकि आपका भी पैसा बचे और टाइम भी बचे। तो इसको क्या करना है वो आप आगे वीडियो में हम देखेंगे। और अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है वो टूट चुका है तो उससे भी आप इसी तरह से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं ऑयली फेस के लिए बताऊँगी और आपके अगर ड्राई स्किन है उसके लिए भी मैं दोनों तरह का क्रीम इसमें बनाने वाली हूँ। बेबी सीसी क्रीम जो भी आप बाज़ार से इतना महंगे महंगे लाते हो तो आप उसी तरह का क्रीम आप घर पे ही बना सकते हैं। और कवरेज तो बहुत ही अच्छा है, आप देखोगे मैं अपने फेस में अपने हाथ में भी आपको लगा के दिखाऊंगी कवरेज कैसा है। तो वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा हो, और कमेंट मुझे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ड्राई स्किन के लिए, जिनका भी ड्राई स्किन है उनके लिए सबसे पहले बनाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आप किसी भी कंटेनर में या आप कटोरी में या किस में भी लूज़ पाउडर को ले लें, मैं इसी के ढक्कन के ऊपर ले लूँगी। और सबसे पहले आप थोड़ा सा बनाएं, ज़्यादा ना बनाएं, तो मैंने थोड़ा सा ले लिया है, इस तरह से लेना है आपको थोड़ा सा। और उसके बाद आपको मिलाना है मॉइस्चराइज़र क्रीम, क्योंकि मॉइस्चराइज़र क्रीम ही है जो हमारे फेस को सही रखता है। तो आप अगर आपका ड्राई स्किन है ना तो आप थोड़ा सा ज़्यादा मॉइस्चराइज़र क्रीम ले। उसके बाद आप लेंगे एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो, ऑप्शनल है। और क्योंकि हम फेस जब भी हम मेकअप करते हैं उससे पहले ये सब लगाते हैं तो इसके लगाने की झंझट नहीं है, इसलिए मैं एक ही संग सब कुछ मिक्स कर दूँगी। तो मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है। और उसके बाद हम लेंगे प्राइमर, प्राइमर भी आप ले सकते हो और नहीं भी ले सकते, वो भी ऑप्शनल है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमें ये सब लेना है, सिर्फ आप मॉइस्चराइज़र क्रीम और लूज़ पाउडर इन दोनों से ही बना सकते हो। तो इनको मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ और उसके बाद अच्छे से करना है मिक्स, मिक्स अच्छे से करना है, नहीं तो आपके फेस में ये लगेगा नहीं, कहीं पर दाग धब्बे रह जाते हैं। तो आपको मिक्स अच्छे से करना है। और ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज़र आप थोड़ा सा ज़्यादा लें तो आप देखोगे आपके फेस में अच्छे से सेट हो जाएगा और ड्राई भी नहीं होगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये आप देख सकते हो, अब मैं आपको हाथ में लगा के इसके कवरेज दिखाती हूँ। ये सिर्फ ड्राई स्किन के लिए है, मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा आपको ज़्यादा लेना है। और इसके बाद अब आप देखो इस तरह से थोड़ा सा आप देख ही सकते हो कि जो क्रीम है थोड़ा सा कितना वो है, थोड़ा सा नरम है, आप देख ही सकते हो। और इसको अच्छे से मैं हाथ में फैला लूँगी और एक ब्यूटी ब्लेंडर से इसको सेट करूँगी। ये आप देखो मैंने इस तरह से सेट किया है और कवरेज आप देख ही सकते हो। आपका अगर ड्राई स्किन है ना तो आपके फेस में बहुत ही अच्छे से ये कवरेज देगा और आपका स्किन ड्राई बिल्कुल नहीं होगा और कहीं पर भी कोई भी दाग धब्बा नहीं रहेगा। ये आप देख सकते हो दोनों हाथ का कवरेज कितना अंतर है, इस वाले हाथ का देखो और इस वाले हाथ का कवरेज देखो कितना फिनिशिंग दे रहा है। तो इस तरह से आप ऑयली वाली लगा सकते हैं। उसके बाद मैं अपने फेस पर भी लगा के दिखाती हूँ आपको, ये देख सकते हो आप ब्रश से हाथ से कैसे भी इसको लगा सकते हो। तो मैं ब्रश से पहले लगाऊंगी, मैं थोड़ा थोड़ा ही लगाऊंगी क्योंकि आप एक संग ज़्यादा ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके ही लगाएं तो ही आपका फेस में अच्छे से सेट होगा। और इस तरह से आप देखो लगाने के बाद आप इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर ले अपने फेस को, ये आप देख ही सकते हो। फेस इस तरह से धीरे धीरे से आपको ब्लेंड करना है और फिनिशिंग आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से हमारे फेस पर ये लगा है और कहीं से भी ये पैचेज ये वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है और कोई ड्राई स्किन नहीं लगेगा। तो ये देख सकते हो। तो मैं थोड़ा सा और लगा के आपको दिखाती हूँ ताकि और अच्छे से कवरेज हमारा अच्छा आए। और मेरा तो ड्राई स्किन है, मेरा ऑयली स्किन नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो मैं थोड़ा सा इस तरह से मॉइस्चराइज़र क्रीम ज़्यादा डालकर इस तरह से मैं बना लेती हूँ। और डेली भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और बाहर जाना हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपका पैसा भी बच जाएगा। और जो हम क्रीम तो हम डेली लगाते ही हैं, वैसे कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर हम डेली नहीं लगाते हैं,
तो आप इस तरह से क्रीम बना सकते हो और पैसे भी बचा सकते हो। तो देख सकते हो कवरेज कितने अच्छे से ये हमारा फेस पे लगा है, और इधर आप देख सकते हो, और इधर का फेस भी आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारे फेस पे ये लगा है और सेट हुआ है। और इसके बाद आप कॉम्पैक्ट पाउडर और कुछ फिर उसके बाद मेकअप कर सकते हो। तो उसके बाद आपको करना ड्राई, जो ऑयली स्किन है ना उसके लिए अब मैं बनाने वाली हूँ। अगर ऑयली स्किन है तो आपको लूज़ पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लेना है और मॉइस्चराइजर आपको थोड़ा सा कम लेना है, इसका आपको ध्यान रखना। बस यही आपका ड्राई स्किन के लिए, दोनों के लिए ये हो जाएगा। तो ऑयली स्किन है तो आप ये लूज़ पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा ले और मॉइस्चराइजर क्रीम थोड़ा सा कम ले, यही आपका है। और उसके बाद आप, मैं लगा कर भी दिखाती हूँ, ये आप देखो इसका कवरेज तो आप देखोगे और ज़्यादा अच्छा है। तो ये आप देख सकते हो मैं आईलिड पर भी लगा लिया है, और फिर इसको अच्छे से करेंगे सेट, और इसका कवरेज आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से, जैसे हम महंगे महंगे सीसी बीवी क्रीम लाते हैं ना उसी तरह का ये कवरेज दे रहा है। और फेस का दोनों साइड का कलर आप देख ही सकते हो कितने अलग लगेगा। ये आप देखो, मैं आपको अच्छे से सामने से भी दिखाऊंगी कि इसका कवरेज कैसा है, ये आप देख सकते हो। और अगर आप चाहो तो और एक बार इसको लगा सकते हो। अब मैंने पूरा सेट कर लिया है, उसके बाद आप देख सकते हो दोनों साइड का कितना अंतर है, इधर वाला फेस और इधर वाला साइड कितना अंतर है, कवरेज भी आप देख सकते हो कितना अंतर है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी इस तरह से, ये पहले से मैं बना के रखी थी क्योंकि मैं इस तरह से बना के रखती हूँ, उसी तरह से आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। और उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर से आप इसको सेट कर लें और मेकअप कर लें, जो भी आपको मेकअप करना है। तो इस तरह से आपका अगर बेकार हुआ लूज़ पाउडर है तो इस तरह से क्रीम बना सकते हो, बीबी सीसी क्रीम। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मिलते अगले वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।